हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं रसगुल्ला। इसके लिए मैंने 2 किलो दूध को उबालने के लिए रख दिया है। ये दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब इस दूध को फाड़ने के लिए हम डालेंगे नींबू का रस, वो भी थोड़ा सा। है गया फ्रेंड्स, क्या ये देखिए गाइस, ये दूध हमारा फटने लगा है। अब जितना नींबू डाला है उतना ही हम पानी डालेंगे। ये देखो, ये अच्छे तरह से पूरा दूध फट गया है सूती कपड़े के ऊपर। अब इसके लिए छानने के लिए अब हम छलनी वाला दुपट्टा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सूती वाला कपड़ा भी ले सकते हो। अब इसको अच्छे से हम इसका पानी नचोड़ लेंगे, इसको और इसको धुल भी लेंगे ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। अब इसको हम आटे की तरह गूंदेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा और उसको अच्छे से मारेंगे जब तक ये सॉफ्ट डो ना बन जाए। अब हम दूसरी साइड चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 गिलास भर के पानी लिया है और हमने 3 गिलास पानी गैस पे चढ़ा दिया चाशनी के लिए। और इसमें हम 3 गिलास पानी में 1/4 कटोरी चीनी डालेंगे चाशनी के लिए, और ये 1/2 कटोरी चीनी और डालेंगे हम। और ये हमारा आटा गूंद गया है अच्छे से और ये हम रसगुल्ले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चाशनी हमारी बन गई है। अब इसमें हम गुलाब जामुन रसगुल्ले को डालेंगे। अब इसको हम ढक देंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये बन गए हमारे व्हाइट रसगुल्ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ और इसे ठंडा करके आप खाइए। बाय।